हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीएस एकेडमी इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज जो हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एक नया प्रैक्टिस सेट। सो बेसिकली इससे पहले आपने देखा होगा कि फटाफट प्रैक्टिस रिवीजन सीरीज करके एक आपका सीरीज था जिसे हिमांशु सर कंडक्ट कर रहे थे, जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते थे रिवीजन मोड पे। तो उसमें बेसिकली आपके एमसीक्यूज का सेट हुआ करता था और उसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स को इसमें रिवीजन मोड में हम कवर कर रहे थे। सो उसी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे और इसे अब आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पे हम 05 वाले सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर बोर्ड में ये सेशन भी रहने वाला है, जिस तरीके से हमारे और सेशंस होते हैं। सो क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है, वापस आके अपना आंसर चेक करना है। यहाँ पे आपको रिविजन मोड में दिखेगा मोस्टली चीज़ें होंगी, करंट अफेयर्स दिखेंगे। ओके, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक, सो चलिए शुरू करते हैं सेशन। विश ऑल अ वेरी गुड लक। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट ऑफ नागालैंड विल बी द मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट है द रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एन एक्सटेंसिव सर्वे विद द हेल्प ऑफ विलेज वाइज एंड वार्ड वाइज लिस्ट ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट बेस्ड एंड ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड। इट विल बी प्रिपेयर अंडर द सुपरविजन ऑफ होम मिनिस्ट्री। और आपके ऑप्शंस हैं 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है आपका कि जो रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स हैं नागालैंड के, ये सारे इनहैबिटेंट्स होंगे उस स्टेट के, वहाँ उनका एक मास्टर लिस्ट होगी। दूसरा, ये आपका विलेज और वार्ड लेवल पे आपका बनाया जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री के सुपरविजन के अंदर होगा। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको करेक्ट बताना है। सो वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। बेसिकली इस वाले सेशन में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अब भी जो 2021 में यूपीएससी एग्जाम्स होने वाले हैं उनको ध्यान में रख के ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आंसर है इसका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एक एक करके देखते हैं। सो पहला बिल्कुल ठीक था, ये एक तरीके का आपका मास्टर लिस्ट होगी जिसमें सारे इनहैबिटेंट्स हैं आपके जो नागालैंड स्टेट के, वहाँ पे इनको लिस्ट किया जाएगा और ये विलेज वाइज होगा, वार्ड वाइज होगा, दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसके सुपरविजन पे ये आपकी लिस्ट तैयार हो रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन में होगी, इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नो फ्रेश इंडिजीनियस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर RIIN इज कम्प्लीटेड एक्सेप्ट फॉर द चाइल्ड बॉर्न टू द स्टेट इंडिजीनियस इनहैबिटेंट हु विल बी इशूड इंडिजीनियस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द बर्थ सर्टिफिकेट। सिंपल सा ये बोल रहा है कि कोई नया सर्टिफिकेट नहीं होगा, बस उन बच्चों के लिए ये सर्टिफिकेट नया इशू किया जा सकता है या अपडेट किया जाएगा जो कि उन इनहैबिटेंट्स में एरिया में बॉर्न होंगे या वहीं के सर्टिफाइड होंगे। ओके, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। एंड दिस विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद ऑनलाइन सिस्टम फॉर इन लाइन परमिट एंड टेम्प्ररी डॉक्यूमेंट इनहैबिटेंट नॉन इनहैबिटेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस फॉर एंट्री इन टू एंड ट्रैवल इन नागालैंड। सो यहाँ पे इसको ऑनलाइन मोड में भी इसको लेके आया जा रहा है ताकि जो इनहैबिटेंट ताकि जो इन लाइन परमिट के लिए भी अप्लाई करेंगे सो उनके लिए भी यहाँ पे ईजी पड़ सके। इंटायर एक्सरसाइज विल बी मॉनिटर्ड बाय द कमिश्नर ऑफ नागालैंड एंड इन एडिशन द स्टेट गवर्नमेंट विल डेजिग्नेट नोडल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था आपका यहाँ पे जून 29 को, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि अब जो यहाँ पे डेट होगी वो 1 दिसंबर 1963 होगी, कट ऑफ डेट जो रखी गई थी फॉर डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ पीपल। क्लियर। द वर्ड फोबोस समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज, आपको बताना है कि ये वर्ड फोबोस आपको न्यूज़ में सुनाई दे रहा है, ये एक्चुअल में है क्या। मून ऑफ जुपिटर, एन एस्ट्रॉइड, अ जैपनीज आइलैंड, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि बेसिकली आपका ये एक मार्शियन मून है। सो आपका जो जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे जाक्सा भी कहा जाता है, इन्होंने एक लॉन्च किया है एक्सप्लोरर जो कि 2024 में लैंड करेगा। कहाँ पे? फोबोस पे। फोबोस एक मार्शियन मून है। ओके, और यहाँ पे ये वापस आएगा 2019 में वहाँ से सॉइल को कलेक्ट करके।
तो यहाँ पे जो सॉइल होगी माना जा रहा है कि मिक्सचर होगा मटेरियल का जो कि मार्स और उसके मून दोनों से मिलके बना होगा। ठीक सर, यहाँ पे ये चीज़ इसलिए कराई जाती है ताकि कितनी चांसेस है वहाँ पे लाइफ के वो इसमें ट्रेस कर सके और किस तरीके से आपका मार्स का जो आपका एटमोसफियर है या फिर वहाँ का जितना भी इन्वायरमेंट है बायोस्फियर है वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। अर्लियर मिशन इससे पहले कौन कौन से मिशन हुए हैं नासा सॉरी मार्स पे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो नासा के आपके दो मिशन हैं 2018 में आपका इनसाइट है 2012 का क्यूरियोसिटी रोवर है। अभी करंटली कुछ आपके मिशन हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए का आपके तीन है ओडाइस है मैविन है और मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर है। मार्स 2020 परसीवरेंस रोवर इनजेन्युटी हेलीकॉप्टर ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। यूरोप के दो हैं एक्सो मार्स हो गया मार्स एक्सप्रेस हो गया। इंडिया का एक है मंगलयान जिसे कहा। चाइना का है ताइवान वन हो गया। यूएई का है एमिराट्स मार्स मिशन और होप स्पेस क्राफ्ट। डिस्कस द स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली फाउंडेड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज एट द सिक्स ब्रिक्स समिट इन द फोर्टालेजा ब्राजील इन 2018। कि ये कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका जो एक मल्टीलेटरल बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू बना है सिक्स्थ ब्रिक्स समिट में जो कि फोर्टालेजा में हुआ था। फोर्टालेजा जो आपका ब्राजील में पड़ता है और कब हुआ था ये 2018 में। दूसरा ये कह रहा है कि इट वॉज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर अनडिजर्व्ड एमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर द फास्टर डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है वन ओनली टू ओनली बोथ वन टू नीदर वन नॉट टू। करेक्ट स्टेटमेंट बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो आपको बताना है कौन सी गलत है। यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे बी विच मीन्स आपका सिर्फ पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला वाला सही क्यों है। देखिए यहाँ पे आपका एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो रही है आप इसको थोड़ा सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था ठीक। सो आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाता है। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए विच मीन्स आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि 2018 का नहीं है ये ठीक। सो कब का है 2014 में आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो बना था सिक्स ब्रिक्स समिट बिल्कुल ठीक है। फोर्टालेजा जो ब्राज़ील में पड़ता है वहाँ पे ये हुआ था ओके और ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू ये बना था। याद रखिएगा इसका आंसर आपका ए होगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा था और पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तो वैसे भी आपका प्लेन स्टेटमेंट है ये आपका सही स्टेटमेंट है इनकरेक्ट पूछा था क्योंकि आपने तो बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो काफ़ी ऑब्वियस स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका शंघाई चाइना में है ओके। और यहाँ पे आपका जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको आपका ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है। कहाँ आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में से ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल रखा है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2018 में मिला था। अभी आपका जो ब्रिक्स की मीट हुई थी ओके वहाँ पे इंडिया ने प्रपोज किया था और इसके स्कोप को बढ़ाने का कि इन्होंने बोला था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास भी हम इसको लेके जाएंगे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। जब हम यहाँ पे फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं किसकी सोशल सर्विसेज की। अब जब हम सोशल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हेल्थ केयर एजुकेशन हाउसिंग ये सब आ जाता है। इंडिया आपका 2021 के लिए जो ब्रिक्स है इसको चेयरमैनशिप इंडिया के पास आई है। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ कैस्केड फ्रॉग फ्रॉम डैश named it Aplos and Aticola after the Adai Hill, the abode of Adai tribe. So ये बोल रहे हैं कि researcher ने एक आपकी frog की species discover की है। आपको बताना है कौन से state से करी गई है ठीक। और ये जो species है इसका नाम आपका Adai tribes पे रखा गया है। ऑप्शन है असम अरुणाचल प्रदेश तमिलनाडु केरला। आपने आई होप आप लोगों ने इसे ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। आंसर होगा आपका बी अरुणाचल प्रदेश। सो जो ये आपकी फ्रॉग की स्पीशीज़ है ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो अब ये हो जाता है कि ये आपके अडाई ट्राइब्स के एरिया से बिलोंग करती है और अडाई हिल्स में यहाँ पे मिला है ये ठीक। अरुणाचल प्रदेश में आपके फिर अडाई हिल्स पड़ते हैं। जो आपकी इंडियन और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट की टीम थी उन्होंने इसको इसी हिल के नाम पे इसका नाम रखा है। ब्राउन कलर का फ्रॉग होता है साइज इसका 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के बीच में है ठीक है। कैस्केड ने फ्रॉग्स आर नेम्स ऑफ बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंस फॉर स्मॉल वाटरफॉल और कैस्केड इन फ्लोइंग हिल स्ट्रीम फॉर विच दे हैव डेवलप्ड सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सच एज एक्सपेंडेड
डिजिट टिप्स एक्सटेंसिव फूड वेबिंग एंड दैट मेक्स देम अडैप्ट टू द स्ट्रॉन्ग वाटर करंट। बेसिकली इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो वाटर करंट है वो इन्हें झेलना पड़ता है, और क्योंकि ये इस वजह से वहाँ पे रहते हैं तो इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो काफ़ी आपके डेवलप दिखते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसिव फूड वेबिंग देखने को मिलती है, इसीलिए इनका नाम कैस्केड फ्रॉक्स पड़ा है। अडाई ट्राइब्स जो हैं आपकी, ये हिमालय के फुटहिल्स में देखने को मिलती है, मोस्टली आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगी, और अरुणाचल प्रदेश में इनका घर है, और इनकी दो डिवीज़न भी हैं फिर आगे, बोगम हो गया और ओनाई हो गया, जो कि आगे फिर सब डिवाइड करी गई हैं, और हाईली डेवलप सिस्टम होता है इनमें डेमोक्रेसी का, सारे जो डिसीजन होते हैं वो विलेज काउंसिल के थ्रू लिए जाते हैं, जिस विलेज काउंसिल को किबांग कहा जाता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लशार करेक्ट, करेक्ट बताना है। निरामैक इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल। दूसरा है आपका निरामैक वाज सेटअप टू सपोर्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेटिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेज फॉर देयर प्रोड्यूस एंड देयर बाय ब्रिज द गैप बिटवीन द फार्मर्स एंड द मार्केट, ऑल्सो इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ वन टू नीदर वन और टू। ये क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसे इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप करने वाले होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी वैसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, बट ये बहुत घुमा दिया गया है। आंसर होगा इसका सी, दोनों ठीक है। सो आपका ये जो निरामैक है, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो ये आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्शन इंटरप्राइज है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये मिनिस्ट्री और डोनर के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये क्या है, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, कौन से फार्मर्स को, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, ताकि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले। रेम्यूनरेटिव प्राइस अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब कि अगर उनके प्राइस में जो फार्मर को जितना उनका कॉस्ट बैठ रहा है और जितना उनको मार्केट से मिल रहा है, अगर उन दोनों में कोई गैप बन रहा है सो इस गैप को फिल करते हुए जो प्राइस उनको पे हो रहा है, ठीक वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए आपको ये लाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव भी इसका ये था कि ताकि डेवलपमेंट और मार्केटिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ध्यान में रखा गया था। रिवाइवल की बात करी जा रही है यहाँ पे, ताकि ये और ज़्यादा फैसिलिटेट करें जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फार्मर्स हैं। रिसेंटली न्यूज़ का पार्ट क्यों था, क्योंकि आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो थी, जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने इसके रिवाइवल के लिए एक पैक अनाउंस किया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी दिन आपके जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल पे भी ऑयल पाम पे भी आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे फोकस करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी स्पेशली इस उसमें फोकस्ड अनाउंस की है, कहाँ कहाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। चार टेक्नोलॉजी विच इज़ ए न्यूज इस रिलेटेड, आपको बताने किससे रिलेटेड है ये, क्रिप्टो करेंसी, नेट बैंकिंग, डार्क वेब, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये है आपका डिफेंस से रिलेटेड। सो बेसिकली ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने एक डेवलप की है टेक्नोलॉजी, एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी, ताकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको बचा सकें जो रडार थ्रेट्स हैं, ताकि वो रडार में ना आए दुश्मन के। तो टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द लार्ज क्वांटिटी टू मीट द एनुअल ड्रोनिंग रिक्वायरमेंट। डिफेंस मिनिस्टर हैज़ लाउडेड अ DRDO, ये सब इसके बारे में बातें। और ये किसके अंदर देखा गया, ये जो आत्मनिर्भर भारत एक का जो एक विजन है उसके अंदर एक और स्टेप देखा गया है डिफेंस सेक्टर का। इस टेक्नोलॉजी में होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें मिलिट्रीज इसका यूज़ करेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अपने नेवल शिप्स को, एयरक्राफ्ट्स को सेंसिटिव टारगेट से प्रोटेक्ट करेंगी, ताकि ये रेडियो रडार की फ्रिक्वेंसी उसमें ना आ सके। और इसमें बहुत स्मॉल आपके एल्यूमिनियम और जिंक कोटेड फाइबर्स होते हैं, ताकि ये बच आपके रडार से बच जाते हैं, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बारे में आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, इतना डिटेल नहीं है, बस इतना याद रखना कि शार्प टेक्नोलॉजी आपकी डिफेंस से रिलेटेड है। बाइनेंस विच इज़ ए न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू, आपको बताना है किससे रिलेटेड है ये, क्रिप्टो करेंसी, नेट बैंकिंग, डार्क वेब, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा आपका ए, क्रिप्टो करेंसी। सो बेसिकली बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है अक्रॉस द ग्लोब, याद रखना अक्रॉस द ग्लोब करता है, ठीक। और यहाँ पे ये नॉन फंजिबल टोकन होंगे, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम पे काउंट कर रहा है, काम करेगा, और ताकि वो अब इसमें क्या होगा, जो यूज़र है डायरेक्टली एक दूसरे से क्या सकते हैं इसमें कम्युनिकेट करके, सॉरी डायरेक्टली इसमें अपना एक्सचेंज कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज फॉर्म में।
इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी, ये थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड माना जा रहा है। ठीक, बाइनेंस ऑल्सो लीड द क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना बस कि यहाँ पे ये बाइनेंस जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करता है। कदावुर रिजर्व फॉरेस्ट इज इन, आपको बताना है कहाँ है ये, असम, केरला, झारखंड, तमिलनाडु। आंसर होगा आपका डी, विच इज़ आपका तमिलनाडु। सो बेसिकली आपका ये करूर डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु के वहाँ पड़ता है। और न्यूज़ का पार्ट ये होता क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी भी है, आपके सिलेंडर लॉरिस की एक सेंचुरी है। सो यहाँ जो पूरा फॉरेस्ट है आपका, ये बेसिकली हॉटस्पॉट बताया गया है इनके लिए। और यहाँ पे सेंसस भी लिया गया था 2016 से 17 के बीच में, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो सिलेंडर लॉरिस होते हैं इनकी पॉपुलेशन किस किस तरीके से बढ़ी है। देखिए पहले आपकी यहाँ पे रिजर्व हैज पॉपुलेशन ऑफ 3500 सिलेंडर लॉरिस, और करंट एस्टिमेट आपका 5000 हो चुका है। ये होते हैं आपके सिलेंडर लॉरिस। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। सिलेंडर लॉरिस इज अ स्मॉल सीक्रेटिव नॉक्टर्नल प्राइमेट, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडियस फॉरेस्ट एज वेल एज डेंस हेड्रीग्रोव प्लांटेशन बॉर्डरिंग फार्मलैंड्स ऑफ सदर इंडिया ओनली। बींग अर्बोरियल दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर लाइफ ऑन ट्रीज, या फिर नन ऑफ द अबव। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सिलेंडर लॉरिस के बारे में। ठीक, आंसर होगा बी, विच मीन्स आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये आपका सिर्फ सदर्न इंडिया में नहीं मिलते हैं। इसने बोला था कि सिर्फ सदर्न इंडिया में मिलते हैं, ये गलत है। सो सिलेंडर लॉरिस आपका बिल्कुल ठीक है, स्मॉल सीक्रेटिव नॉक्टर्नल प्राइमेट्स होते हैं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, इनके लॉन्ग थिन आर्म्स होते हैं, एक प्रोमिनेंट फीचर्स इस तरीके से। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये श्रीलंका में भी देखने को मिलते हैं और सदर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यही आ सकता है कि वो इंडिया में ही एंडेमिक है, बट ये गलत है, ये यहाँ भी मिलते हैं। लाइफ इनकी 12 से 15 साल के बीच में होती है, अर्बोरियल होते हैं, विच मीन्स अपना मोस्ट ऑफ द टाइम पेड़ में ही काटते हैं। दो स्पीशीज होती हैं फिर आगे, ये रेड सिलेंडर लॉरिस और ग्रे सिलेंडर लॉरिस। फिर दे आर फॉन्ड ऑफ लटाना बेरीज एंड ऑल्सो इट इंसेक्ट। इंपॉर्टेंट है इनका IUCN स्टेटस, जो कि इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ में आपका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपका ये शेड्यूल 1 में है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज़ बिन रिलीज बाय, कौन रिलीज करता है, RBI, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, यूनाइटेड। आंसर विल बी ए, RBI। तो ये एक एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ओके, जहाँ पे ये बताते हैं, मेजर करते हैं, एक्सेस करते हैं कि कितना फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज हुआ है। और यहाँ पे आपके रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सब देखा जाता है। इंपॉर्टेंट है इसमें तीन डायमेंशन है, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, यूजेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिलीवरी। और यहाँ पे दे आर ऑल्सो द G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर्स, और हर साल पब्लिश किया जाता है RBI के थ्रू जुलाई के मंथ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस इज अ सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई DRDO। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A वेरियंट इज एन इंडिजीनियसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस LCA-MK-1A विल बी अ सुपीरियर ओवर प्रीवियस वेरियंट ऑफ LCA तेजस इन टर्म्स ऑफ एविनिक्स परफॉर्मेंस एंड वेपन कैपेबिलिटीज। और आपके ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट स्टिल आप इसे कर सकते हैं क्योंकि ये एज सच आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डिफेंस में आपके जितने भी नए नए आपके आ रहे हैं। आंसर होगा आपका सी, सारे बिल्कुल ठीक है। एक एक करके दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला था, इसने बोला था कि तेजस जो है सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसने कहा था कि DRDO ने किया है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इन्होंने कहा था, अब इसमें की पॉइंट्स हैं, इंडिजीनियसली डिजाइंड है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ जनरेशन है, बिल्कुल ठीक है। ये बात कर रहे हैं MK-1A वेरियंट की। फिर उन्होंने बोला था कि तेजस MK-1 जो है ये सुपीरियर है आपका पहले वालों से, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सो आपका हेल जो है, इन्होंने एक डील साइन की है, इसीलिए ये न्यूज़ का पार्ट था, जहाँ पे ये आपका और इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे इसको। और फरवरी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया था एक 48,000 करोड़ की जो डील थी, जहाँ पे ये सप्लाई कर रहे थे 83 LCA को, इंडियन एयरफोर्स को। ठीक,
ये अभी हमने पढ़ लिया, इनके बारे में बता रखा है कि ये अभी हमने अभी डिस्कस किया. इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इट इज़ अ सेकेंड सुपरसोनिक फाइटर जेट दैट वॉज डेवलप्ड बाय हेल. पहला कौन सा था आपका? HF-24 मारूत जो था वो पहला था. ये लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा अपनी क्लास में. और इसकी रेंज एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, परक्यूशन गाइडेड है एंड स्टैंड अप वेपनरी. फिर ये तेजस LCA MK-1A की बात कर रहे हैं. तो ये भी हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था. और बाकी फिर आगे भी इन्होंने यही बताया. इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द फर्स्ट बाय यहाँ पे इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद एन इंडिजीनियस कंटेंट ऑफ 50%. यहाँ पे आपका जो कंटेंट है 50% विच विल प्रोग्रेसिवली रीच 60% बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो जितना भी आपका ये बन रहा है इसमें आपका 60 स्टार्ट तो 50% से कर रहा है कि मैन्युफैक्चर में 50% इंडिजीनियसली होगा, बट बढ़ते बढ़ते 60 हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट कम्युनिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज माइनॉरिटी? पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन. आपको बताना है कि सबसे लेटेस्ट माइनॉरिटी का जो टैग है वो किसको मिला. आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका जैन. सो 1978 में माइनॉरिटी कमीशन स्टैब्लिश हुआ था जो कि एंड्रिसाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेजोल्यूशन. फिर 1994 में इसको डिटैच कर दिया गया था होम अफेयर्स से और यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के उसमें करा गया था. फिर आपका इसको 1992 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है एक्ट के थ्रू. और फिर जब आपका ये 1993 में पहला कमीशन बनता है तो 5 रिलीजियस कम्युनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस नोटिफाई किया गया था. और 2014 में आपका जैन जो थे इनको नोटिफाई किया गया था माइनॉरिटी. NCM में कौन होता कौन है? चेयरमैन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 5 और मेंबर होंगे और वो सब आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए. मेंबर्स की बात कर रहे हैं, टोटल्स में 7 टोटल ऑफ 7 टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये एमिनेंस एबिलिटी इंटीग्रिटी टेन्योर इंपॉर्टेंट है, 3 साल टेन्योर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस. मिनिस्ट्री ऑफ डैश हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ तपस. आपको बताना है कि तपस पोर्टल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? एजुकेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, नन ऑफ द अबव. आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने करा है ये. क्यों है? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज. यहाँ पे होगा क्या कि ये ऑनलाइन मीडियम ऑफ वर्क फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन टू बिकम इम्पेरेटिव ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक. सो COVID-19 पैंडेमिक की वजह से एजुकेशन पे जो असर पड़ा है उस पे ये काम करने के लिए लाया गया. इनिशिएटिव आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सोशल डिफेंस में. ऑब्जेक्टिव ये है ताकि वो ट्रेनिंग और नॉलेज इम्पार्ट कर सके. ओके, बाकी यहाँ पे आपका फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है ताकि स्टूडेंट्स को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके. यहाँ पे ये लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स भी होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू होंगे. ओके, एनीवन हु विशेस टू एनहांस हिज अर नॉलेज ऑन द टॉपिक, देयर इज नो फीस ऑफ जॉइनिंग. कोई फीस नहीं है जॉइनिंग की. यहाँ पे क्वाड्रेंट अप्रोच है, यहाँ पे वीडियो है, टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, सेल्फ असेसमेंट भी है, डिस्कशन भी है. 5 कोर्सेज बेसिक रखे गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे बात करी गई है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा. देखते हैं इसमें आपके आज वाले सेशन में आपके 13 क्वेश्चंस थे. ठीक, सो देखिएगा अपने स्कोर काउंट करिएगा 13 में से आपके कितने मार्क्स आए. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सेट में. तब तक के लिए रिवीजन करते रहे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.